अगर मैं गर्लफ्रेंड बना रहा हूँ तो आप मेरी शादी करवा दो इतनी जल्दी? हर किसी की लड़कियों के दिल के साथ नहीं खेला जाता बेटा। अपनी बहन नहीं है तो फिर कोई भी लड़की बनाओ, सहेली बनाओ, जो मर्जी बनाओ, खेलो, चलो जी नहीं पसंद आ रही, उसको ये नेचर पसंद नहीं आ रहे, परफेक्ट तो कोई भी नहीं मिलेगा तुझे। वो तो सिया के घर से तेरी बेइज्जती हुई, तब तुझे सिया के घर का समझ आया कि मेरी उधर कोई इज्जत नहीं रहेगी। हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो भाई आज मैं लाइव इसलिए आया हूँ ताकि आप लोगों को ना थोड़ा आगे की स्टोरी बता दूँ कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि आप लोग फैमिली हो यार। तो अभी कुछ दिन से मैं थोड़ा बिजी चल रहा था इसलिए मैं नहीं दिखा पा रहा था कुछ भी। तो फाइनली यार वो तो चली गई है सिया, और जो हिमानी थी वो भी चली गई है। मम्मी ने दोनों को हटा दिया यहाँ से। अब मम्मी मुझे कह रही है कि मुझे आज तुमसे बात करनी है। अब क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है वो मुझे भी नहीं पता अभी फ़िलहाल। तो अभी मम्मी किचन में खाना बना रही है तो इसलिए मैंने कैमरा लगाया। अभी थोड़ी देर में फ्री होकर मम्मी आएंगी तो वो बात करेंगे। अब पता नहीं क्या बात करेंगे, आप लोगों को वीडियो में देखने मिल जाएगा। आप लोग वीडियो में बने रहें, मिलते हैं वीडियो के एंड में। A few moments later. आ गई मम्मी, हो गया काम? क्या बात कर रहे थे आप बताओ? करती हूँ, बैठ तो जाऊँ। और तू क्या कर रहा था? कुछ नहीं, ऐसे बैठा हुआ था। देख बेटा, मैं तुझसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ तेरी अपनी लाइफ के लिए। बताओ बताओ। ना मुझे सिया तो शुरू से ही नहीं पसंद थी, थोड़ा बहुत अगर उसकी बहन पसंद में आई तो मैंने फिर यही सोचा तेरी लाइफ के लिए जिंदगी भर का बवाल हो जाएगा अगर उसकी छोटी बहन भी आ गई तो। हाँ वो तो ऐसा तो है नहीं कि सिया का आना जाना नहीं रहेगा उससे मिलने का, तो तेरी लाइफ हमेशा ज़िंदगी भर प्रॉब्लम में ही निकलेगी। जब तक तू सिया को देखेगा या वो तुझे दोनों को देखेगी, लड़ाई बढ़ती रहा करेगी। तो इन दोनों को तो चैप्टर बंद ही कर दे। अब मैंने तेरे लिए कोई लड़की देखी है। इतनी जल्दी के क्यों देख लिया आपने? मैंने ये तो नहीं कहा तू कल ही ब्याह ले, एक बारी तो देख ले, लड़की समझ में आती है तू बात कर, तुझे लगेगा कि हाँ तू इसके साथ आगे लाइफ गुजार सकता है तो तू देख लियो। नहीं तो मैंने कौन सा कहा कि हाँ भाई आज तू लड़की देख कल ही फेल हो जाएगी। मम्मी पहले आप कह रही थी कि उससे कर ले, हिमानी से कर ले, हिमानी सही है ये वो। तो मैंने बात क्लियर कर दी ना, अभी उसका सलूशन बता दिया ना कि क्यों मैं मना कर रही हूँ, कुछ सोच के आगे के लिए मना कर रही हूँ। मैं आज कह दूँ चल हिमानी से कर ले, लेकिन लाइफ टाइम ये तो है नहीं कि सिया का अपनी बहन के घर में आना बंद हो जाएगा या तो उस घर में जाना बंद हो जाएगा, फिर आमना सामना होगा। कभी तुम अकेले में चाहे नॉर्मली बात भी कर रहे होगे, हिमानी को प्रॉब्लम होगी कि पता नहीं क्या बातें कर रहे हो, रोड डोली का तेरे घर में कलेश। इसलिए मैं तुझसे कह रही हूँ दोनों का तो चैप्टर तो खत्म ही कर दे। मैं ये चाहती हूँ जो मैंने ये लड़की तेरे लिए देखी है तू एक बारी देख ले, समझ आए तो तू आगे हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं। ये तो है नहीं कि हाँ आ लड़की पसंद कर ली जी, नहीं करनी करनी है, पूरी लाइफ का सवाल है। सोचेंगे समझेंगे, लड़की समझ में आई तो आगे बढ़ेंगे। पर अभी मेरा मन नहीं है ना, फिर अब ये देखो मैं अभी लड़की देखूंगा फिर वो भी क्या सोचेगी। सिया भी तो ये सोचेगी ना कि मतलब यही प्यार था, दो दिन में मतलब लड़की देखने लग गया ये वो। बेटा ऐसा ये तो है नहीं कि भी हाँ तू कल अपनी लाइफ आगे बढ़ाएगा तो सिया अपनी लाइफ आगे नहीं बढ़ाएगी, लाइफ तो दोनों को बढ़ानी है आगे। अभी भी तू सिया सिया सोचता रहेगा फिर तो तू कभी जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो उसको बुरा फील तो होगा ना, अगर उसके बुरा देखना है या मेरा बुरा देखना है या घर गृहस्थी देखनी है। तो वो आपका क्या बुरा कर रही है बताओ? मैंने तो नहीं कहा मेरा बुरा कर रही है, मैं तो ये देख रही हूँ ना उसका बुरा लगना, उसको ये बुरा लग जाएगा, उसको वो बुरा लग जाएगा। तुम्हें ये सब कुछ देखना, तुम्हें ये नहीं देखना कि हाँ भी मेरी क्या उम्मीदें हैं तुम्हारे प्रति, कि हाँ भी मेरे होते हुए कल मुझे कुछ हो जाए तो क्या कर लूँगी मैं, मेरा एक बेटा कि मैं अपने बेटे की शादी भी ना देखूँ। यार मम्मी इतना जल्दी कैसे मूव ऑन कर जाऊँ मैं, ये सोचो ना आप। प्यार किया है 2 साल से, 1.5 साल से साथ में हूँ, इतना जल्दी मूव ऑन कर जाऊँ क्या? मैंने ये तो नहीं कहा ना इतनी जल्दी कर लो, लाइफ बढ़ाते बढ़ाते कुछ चीज़ों को पसंद करते 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 लाइफ कम से कम पता भी नहीं चलता कब, इंसान के 5-6 महीने तो यूं ही खिंच जाते हैं। कौन सा हमारा इतना नोट धरे हैं ये जो दूसरा अपनी लड़की को देगा, उसके पास भी इतने होंगे, किसी भी लड़की को देखेंगे उनको भी तो 2-3 महीने का टाइम देंगे ना हम। तो आपको ब्रह्मचारी बन के रहना है कि अगर मैं गर्लफ्रेंड बना रहा हूँ तो आप मेरी शादी करवा दो इतनी जल्दी? हर किसी की लड़कियों के दिल के साथ नहीं खेला जाता बेटा। मैं गर्लफ्रेंड बना ली, पहले उसकी बहन थी, फिर सिया थी, फिर तेरा मन किसी और पर ललचा जाएगा तो ये नहीं होता। तो मैं वो आज अपनी बेटी नहीं है, आज अपनी बहन नहीं है, तो फिर कोई भी लड़की बनाओ, सहेली बनाओ, जो मर्जी बनाओ, खेलो,
चलो जी नहीं पसंद आ रही, उसके ये नेचर पसंद नहीं आ रहे, परफेक्ट तो कोई भी नहीं मिलेगा तुझे। तो मैं कुछ कह रहा हूँ, मैंने दूसरी लड़की लेके आया, मैं किसी के ऊपर जा रहा हूँ, जो था था खत्म हो गया, ठीक है, आपके कहने पे मैंने कर दिया। उस लड़की को देख लो, अगर तुम्हें समझ आएगा तो ठीक है, मैं आगे बहस नहीं कर सकती। मैं क्या देखूं उसको, अगर मान लो कि मैंने वो कर दिया, ये लड़की है, ठीक है, तो अब क्या करूं मैं? ठीक है कि बात नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि एक बारी मिल लो, मिलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी कोई तो बात मेरी रख ले। तो सारी बात तो रख ली, आपकी रख रहा हूँ, आपकी नहीं रख रहा। वो तो सीआर के घर से तेरी बेइज्जती हुई, तब तुझे सीआर के घर का समझ आया कि मेरी उधर कोई इज्जत नहीं रहेगी। तो आपके कहने पे किया ना जो भी किया? हाँ, अब ये मेरे ऊपर कर दो कि हाँ भी आपके कहने पे किया था, क्योंकि वो तुम्हारे साथ अब बेइज्जती हुई, तो तुम्हें रियलाइज हुआ कि हाँ भी उस घर में अगर मैं कभी जमाई बन के गया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, अभी तो तुम घर के हो। एक बार उस लड़की को देख ले, जब तू बोलेगा कल परसों, जब तू बोलेगा मैं उसको बुला लूंगा। मम्मी मैं ना इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी देखने में, ठीक है? तू इंटरेस्टेड नहीं है तो एक काम करते हैं, कल परसों तेरा बर्थडे आ रहा है, मैं उस लड़की को बुला लेती हूँ, ना उसको शो करूंगी ना तुझे शो करूंगी, जैसा तुझे ठीक लगेगा। अगर लड़की समझ में आएगी तो मुझे अपने जन्मदिन के बाद बता दियो, बात आगे बढ़ा लेंगे, उसके बाप से बात कर लूंगी, नहीं समझ में आएगी तो रहने देंगे। तो आप क्यों चाह रहे हो इतनी जल्दी, क्या है शादी की? करेंगे आराम से, करेंगे आराम से, करेंगे ना आराम से। कितनी आराम से, इतनी जल्दी क्या है? बुढ़ापे में चल चल के अभी एक कुछ उम्र नहीं, मेरे लिए होगी उम्र और मैं और नहीं डील छोड़ सकती, बस जन्मदिन पे मैं उसको बुला रही हूँ, एक बारी देख ले, बात कर ले, समझ में आएगी तो आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो रहने देंगे। ऐसी लाते रहो आप बस लड़कियां। हाँ, कोई बात नहीं, हम लाते रहेंगे, कभी तो कोई तो तेरे दिमाग में चढ़ेगी, जन्मदिन पे वो आएगी, तमीज से बात करी उससे, ठीक है? जाओ, कोई बात नहीं। हाँ। तो गाइस देखो, मम्मी बोली है कि एक लड़की लेकर आई हूँ, एक लड़की से बात हुई है उनकी, और वो भी शादी के लिए। तो यार मैं ना इतनी जल्दी नहीं चाह रहा, क्योंकि अगर मूव ऑन करने में ना यार टाइम लगता है, आप लोगों को भी पता है, आप लोगों ने भी प्यार किया होगा कि मूव ऑन करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है? अब एकदम से मैं किसी और के पास जाऊंगा तो सिया को भी यही लगेगा, या किसी जो भी है सिया को भी यही लगेगा कि भाई ये बंदा वैसा ही है, और मतलब जल्दी जल्दी लड़की मतलब गलती वे में ले जाएगी वो। तो इसलिए मैं नहीं चाह रहा हूँ, बाकी मम्मी ने जिद कर रखा है। आप लोग कमेंट करके बताओ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।